देखिए वो मैंने ट्वीट किया वही बात है, क्योंकि देखिए पेपर आउट बड़े बदनामी वाली बात होती है, गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हो गए, आर्मी के अंदर हो गए या जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम हो रहे थे वो रोकने पड़े। ये चिंता विषय सबके लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं अरे मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि आप पेपर लीक हो गया, क्या बीतती थी उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे, उनकी क्या स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। हम लोग जान बूझ के सोचते थे इस बार कोई ऐसे लोग लें जिसकी जिसे एक मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। और इसीलिए हमने तय किया भी कोई रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, पहले आपको मालूम होगा कि एक मिस्टर एम के कुमावत थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के अंदर, डीजी पुलिस थे आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको हमने चेयरमैन बनाया था। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबॉर्डिनेट जो सिविल बोर्ड है उसमें मिले आर्मी के जो थे मिस्टर नाम भूल गया मैं, आलोक राज, मैं उनको जानता नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, उनको जानता था इस केसी सिंह को जानता था। केसी सिंह जरूर आए थे एक बार टिकट की मांग करने, मकराना से आए थे, अभी तैयारी बताई था कि मेरी तैयारी यही है, तो मैंने बात उनकी सुन ली, बस इतनी हमारी परिचय था। ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी आर पी सी की दोनों ने, ना किसी सिफारिश करी, हमने उसी समझा कि बहुत टाइम बीत गया अचानक लागू हो जाएगी, उनके पहले अगर हो जाता दो महीने और बच जाएंगे, क्योंकि हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा, अधिकांश नौकरी लग चुकी है, बाकी का काम चल रहा है, तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफर क्यों करें। ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या जो उनका जो उन्होंने वीडियो वायरल किया, बहुत दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ कि एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने तैयार रहते हैं, उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं, आर्मी वही लोग जाते हैं। वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा सेम बरतना चाहिए, ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आज कंडेम भी किया उसको, कंडेम भी किया है, अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आरपीएससी मेंबर बन गए तो मुझसे भी मिले भी नहीं है, घटती कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया भाई उनसे वापस बुला के बातचीत करें पर वो भी आ नहीं रहे, तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरी ही हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोग लेने के लिए मैंने ही जो बॉर्डर थे उसके अकॉर्डिंग टू, और थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकरानी ख़राब क्यों हो, तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है जो लिखा हुआ था 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया, उसका बहुत दुख हम लोग आज दुख है।